हेलो एवरीवन, टुडे आज हम बनाएंगे धनिये की पंजीरी। तो इसके लिए आप पिसा हुआ धनिया भी ले सकते हैं और साबुत धनिये को रोस्ट करके आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैं अभी पिसे हुए धनिये की बना रही हूँ। तो इसके लिए हमने एक पैन गरम किया है। तो अब हम पैन में लेंगे 2 चम्मच घी, 2 चम्मच घी में मखानों को फ्राई करेंगे। तो अब हमारे मखाने रोस्ट हो गए हैं, तो अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन में 2 चम्मच घी और लेंगे। और इस गरम घी में हम ड्राई फ्रूट्स फ्राई करेंगे। यहाँ हमने कुछ बादाम और कुछ काजू लिए हैं। रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट ही अलग आता है। तो हमारे ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट हो गए हैं, अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। आप अपनी पसंद से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब हम इसी पैन में हमारा पिसा हुआ धनिया पंजीरी के लिए रोस्ट करेंगे। को हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे और फिर इसका गैस बंद कर देंगे। इसकी बहुत ही अच्छी अरोमा आ रही है इसके रोस्ट होने की। और इसी टाइम पर हम इसमें जो हमने ग्रेट किया था कोकोनट वो मिक्स करेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने गैस बंद कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें बूरा या पीसी हुई चीनी मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर हम गरम में मिक्स करेंगे तो वो चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स मिक्स करेंगे। तो इसमें से कुछ जो मखाने हैं हम उन्हें तोड़ लेंगे। क्योंकि ये रोस्ट होने के बाद काफी क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम ये ड्राई फ्रूट्स भी पंजीरी में मिक्स कर देते हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा गैस बंद ही है। हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसमें बूरा या चीनी मिक्स करेंगे। अब हमारी पंजीरी ठंडी हो गई है, तो अब हम इसमें बूरा मिक्स करेंगे। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी पीसी हुई चीनी ली है। इसको हम अच्छे से पंजीरी में मिक्स कर देंगे। तो अब हमने हमारा जो बूरा और या चीनी का पाउडर था वो हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसकी प्लेटनिंग करते हैं। प्रसाद को हम भगवान को चढ़ाने के लिए इसको बाउल में डालते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी धनिये की पंजीरी बनकर तैयार है।